लोग कहते हैं कि दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं, और वे सच ही कहते हैं। कुदरत का हर कोना खूबसूरती और रहस्यों से भरा हुआ है। दुनिया के हर हिस्से में ऐसी चीजें जिनके होने की वजह का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट्स कारण तो बताते हैं, पर हमें कई बार उन कारणों पर भी यकीन नहीं हो पाता। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही 10 मिस्ट्रीज। दुनिया की 10 रहस्यमय जगह हैं। 10वें स्थान में है सेलिंग स्टोन्स, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। इस जगह भारी भरकम चट्टानें अपने आप खिसकती हैं। कई चट्टानें सीधे खिसक कर चलती हैं, तो कई का रास्ता सर्पिलाकार या गोलाई में भी होता है। वैज्ञानिक अभी तक इसका कोई कारण नहीं बता पाए हैं। नौवें स्थान में है साला डे उयुनी, बोलिविया। 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला यह क्षेत्र एकदम समतल है। यहाँ धरती की सतह पर नमक की अधिकता है, इसके साथ थोड़ा पानी भी होता है, तो यह इलाका एक विशाल लाइन में बदल जाता है। चलते हुए जब आप नीचे देखते हैं, तो बादलों की परछाई देखकर लगता है कि आप आसमान में चल रहे हों। 8वें स्थान में है रिचर्ड स्ट्रक्चर, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया में रेगिस्तान के बीच एक विशालकाय गोलाकृति है। इसमें सांप की कुंडली की तरह रेखाएं बनी हैं। इसे आई ऑफ सहारा कहते हैं। जमीन से इसका पता नहीं चलता, इसे आसमान से देखकर ही जाना जा सकता है। इस आकृति को लेकर वैज्ञानिकों की राय बांटी हुई है। कुछ के अनुसार यह बड़े उल्कापिंड के टकराने से बनी आकृति है, तो कुछ के अनुसार ज्वालामुखी के कारण ऐसा हुआ है। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि एक बड़ी सी चट्टान के धीरे धीरे गड़कने और धंसने के कारण यह आकृति बनी है। 7वें स्थान में है शिलिम स्टोन फॉरेस्ट, चीन। चीन के युआन प्रांत में स्थित इस जंगल में पेड़ ही नहीं, चट्टानें भी लंबी और ऊंची हैं। 96,000 एकड़ का यह इलाका चुना पत्थर की चट्टानों से अटा पड़ा है। 6वें स्थान में है लॉन्गीरबाइन, नॉर्वे। हर साल 20 अप्रैल से 23 अगस्त के बीच लगभग 4 महीने यहाँ रात नहीं होती, क्योंकि सूरज डूबता ही नहीं, 2400 घंटे चमकता रहता है। इस दौरान शुरुआत में तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ाने लगती है। 2400 घंटे सूरज की रोशनी होने के कारण दिन और रात के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। इससे कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा होने लगती हैं। 5वें स्थान में है मोइराकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में कोहे बीच पर मशरूम के छत्ते की तरह बड़े बड़े पत्थर हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये पत्थर समुद्र की सतह पर लाखों करोड़ों साल में बने हैं। 12 फीट तक की गोलाई वाले ये पत्थर वास्तव में जीवों के फॉसिल्स हैं, जिन पर धीरे धीरे मिनरल्स और अन्य तत्व जमते रहे। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर भी ऐसे पत्थर मिलते हैं, पर उनका आकार छोटा है। 4वां स्थान में है कानो क्रिस्टल्स, कोलंबिया। कोलंबिया की कानो क्रिस्टल्स नदी को कई बार दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। साल के बाकी दिनों में तो यह किसी आम नदी की तरह होती है, लेकिन सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ पानी के भीतर असंख्य पौधे उगाते हैं। लाल, पीले, नीले, गुलाबी और हरे रंग के ये पौधे पूरी नदी को रंग बिरंगा बना देते हैं। 3रे स्थान में है खूनी झरना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां खून जैसे लाल रंग का झरना बहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टेलर ग्लेशियर में स्थित यह वॉटरफॉल, जिस वेस्ट लेक बोनी से निकलता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की काफी मात्रा है।
यह लाल रंग इसी के कारण है। हैरानी की बात यह भी है कि पानी में घुले इसी तत्व के कारण बर्फ की मोटी परत में 1300 फीट नीचे भी सूक्ष्म जीव जिंदा रह पाते हैं। दूसरे स्थान में है आउकिखारा, जापान। जापान में माउंट फूजी की तराई में 3500 हेक्टेयर के इलाके में फैला यह जंगल है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन यहाँ का डरावना माहौल और यहाँ मिलने वाली अजीबोगरीब चीजें इसे दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ 1965 से अब तक 500 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं, इसलिए इसे सुसाइड का जंगल भी कहते हैं। पहले स्थान में है टन फ्लेम फॉल्स, ऑर्चर्ड पार्क, न्यूयॉर्क। यहाँ एक छोटे से वाटरफॉल के नीचे आग जलती रहती है। पानी के साथ आग देखकर एक बार भी तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फैक्ट यह है कि इस इलाके में जमीन के नीचे मीथेन गैस के भंडार है। यह गैस कई जगहों पर जमीन से ऊपर भी निकलती रहती है। मीथेन बहुत ज्वलनशील है। कहते हैं कि किसी पर्यटक ने खेल खेल में वाटरफॉल के नीचे से निकलती मीथेन को चिंगारी दिखा दी थी। इसके बाद से कमोबेश लगातार आग जल रही है। कभी पानी के असर से यह बुझ भी जाती है तो कोई ना कोई फिर जला देता है।